जो बने हुए थे उसको एज इट इज रखा है बाउंड्री बनाते हुए। जब आप हायर लेवल के मैचेस वगैरह कराने की बात करोगे, ये सारी चीजें पार्किंग एवरीथिंग स्टार्ट गेटिंग इनटू क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, पार्किंग किसी जगह पे बात नहीं हो रही, एंट्री की बात है कि भाई एक एंट्री तो यहाँ से होगी, बाकी एंट्री कहाँ से होगी। तो ये सारा का सारा पेरिफेरी एक बार अपने को पैदल चल के उस तरीके आप देख लेना, ठीक है। नाउ लिमिटेड क्वेश्चन है कि अपना आज की ट्रेंड में नॉर्थ में होना चाहिए, नए ट्रेंड्स में अभी ये सिक्स फ्लोर इस लोकेशन पे नॉर्थ ब्लॉक का है प्रस्ताव सामने सामने सिक्स फ्लोर ये हमारे आरसी से आप फ्लोर में रहते है कि जोधपुर शहर के विकास के लिए लगातार JDA द्वारा, निगम द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत कार्य प्रगतिरत हैं। आज मंडोर गार्डन का विजिट किया गया, लाल सागर जो हमारा नाला है जो आगे फूलबाग नाले से मिलते हुए कुछ ऐसे क्षेत्र जो पानी भराव रहता है उनको देखा गया, एम्स नाला जो कि तकरीबन 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा निगम द्वारा उसका अवलोकन किया गया और बरकतुल्ला स्टेडियम का भी विस्तृत तरीके से यहाँ के JDA के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। लगातार हर बुधवार को ये जो फील्ड विजिट्स हैं उसके बाद मीटिंग्स के साथ एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि सभी विभागों को साथ लेके किस प्रकार से बेहतर जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ विकास को आगे ले जाया जा सकता है। ना केवल हमारी सरकारी एजेंसियाँ बल्कि कई ऐसी केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मी है, रेलवेज अथॉरिटीज़ हैं, जिनके साथ मिलके ही हमें सिटी विकास के लिए जो भी अड़चनें आ रही हैं उनको हटाना है। जहाँ तक बरकतुल्ला स्टेडियम की बात है, आप सब जान रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे जोधपुर शहर के लिए। जिस प्रकार से बहुत देर पहले तकरीबन 80 के दशक के अंदर एक सोच के साथ बरकतुल्ला स्टेडियम की नींव रखी गई, उसके बाद से लगातार ये प्रयास रहने चाहिए कि कैसे इसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं। इसके लिए कवायद RCA द्वारा, JDA द्वारा शुरू की जा चुकी है। प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ समय में इसके ऐसे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ऐसा विकास किया जाए जिससे कि हम IPL मैचेस हों, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस को दोबारा शुरू करने का यहाँ प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए।